सब भगवान के विभिन्न अवतारों के स्वरूप हैं, उन सभी अवतारों को सन्मिश्रित, इसी में एक दशावतार है। लोग भ्रमित न हो, 24 अवतार हैं कि दशावतार हैं, विष्णु पुराण में इसके भेद को बड़े स्पष्टता से वर्णन किया है। एक भगवान का पुरुषावतार भी है विष्णु पुराण में। इस पुरुषावतार की स्तुति के लिए जो गाया गया है उसी को पुरुष सूक्त कहते हैं, और उसमें भगवान को पुरुष कहकर संबोधन किया है। सहस्त्र शीर्ष पुरुष, वो पुरुष हैं, उस अवतार को पुरुषावतार कहा गया। नित्यावतार, नैमित्तिकावतार, कल्पावतार, पूर्णावतार, अंशावतार, कलावतार और दशावतार। दशावतार वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद्बिव्रते दैत्यं दारयते बलिं क्षलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते। श्री जयदेव गोस्वामी दशा कृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ऐसा कह रहे, उन सबको सन्मिश्रित करके इस अध्याय में श्री भगवान व्यास ने, सूत जी ने 24 अवतारों की संख्या को निश्चित किया है, जिसमें कुछ कल्पावतार हैं, जिसमें कुछ युगावतार हैं, जिसमें कुछ कल्पावतार कौन से हैं जिनकी चर्चा अष्टम स्कंद में आई है महाराज जी, फिर इसमें कुछ दशावतार हैं, इसमें कुछ पुरुषावतार हैं, इसमें कुछ अंशावतार हैं जैसे श्री परशुराम जी आदि, इसमें कुछ कल, फिर कलावतार भी हैं, फिर इसमें पूर्णावतार भी हैं। इन सब की चर्चा, क्योंकि भागवत जी सारम सारम समुद्रतम है, इन सब अवतारों की दिव्य चर्चा करने के बाद श्री कृष्ण को पूर्णावतार प्रणाम करके श्री प्रभु आगे बढ़ते हैं। व्यासं वसिष्ठनत्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधिं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर जी, और पराशर जी ने सत्यवती के ऊपर कृपा करके साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन जी को जन्म दिया। महाराज बोले, श्री व्यास जी महाराज की।